रामचंद्र प्रसाद सिंह। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं पुनः उपसभापति पद पर चुने जाने के लिए, और इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी को और एनडीए के जितने हमारे नेता हैं जिन्होंने पुनः हरिवंश जी को दोबारा इस पद पर कार्य करने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी पार्टी के नेता नीतीश बाबू की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही आज एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुखद अवसर देखने को मिला कि जहाँ वोटिंग नहीं हुई लेकिन दोनों उम्मीदवार हमारे बिहार से ही थे, एक जनता दल यू से थे, एक राष्ट्रीय जनता दल से थे, तो सब लोगों को लगा कि क्या होगा आज, और आज बहुत अच्छा हुआ, सब लोगों ने मिलकर करके हरिवंश जी को फिर से यहाँ काम करने का मौका दिया है। और हरिवंश जी के बारे में आप सब जानते हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनका कृतित्व है, और सबसे बड़ी बात है जो उनका वक्तित्व है, जिस प्रकार से वो बात करते हैं, और आप सब अवगत हैं कि उनका जो गांव है सिताब दियारा जेपी का गांव है, इनका संबंध झारखंड से भी है, बिहार से भी है, और अपनी पार्टी में जनता दल यू में हमारे साथ प्रशिक्षण में जो काम करते हैं इन्होंने, अभी करीब करीब 16 दिनों तक लगातार गांधी जी के बारे में, जेपी के बारे में और लोहिया जी के बारे में हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को, उनकी विचारधारा से सबको अवगत कराया। और आप सब जानते हैं कि विचारधारा कार्यकर्ता को बताना बहुत आसान काम नहीं होता, लेकिन हरिवंश जी जिस प्रकार से बातों को रखते हैं, बहुत गंभीर बातों को जो चिंतन के विषय होते हैं उसको भी बहुत साफ से रखते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो हरिवंश जी को फिर से इस पद पर कार्य करने का मौका मिला है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो शालीन उनका जो एक व्यवहार है, उससे सब लोगों को साथ लेकर करके इस सभा का संचालन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ काम कर पाएंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। और फिर से जितने हमारे यहाँ सब साथियों ने उनको सहयोग किया इस पद पर जाने के लिए, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।